the beautiful good morning to Joy of Gardening with Ravindrika. This is the beautiful Madhumalti in its full glory. There are three varieties. Today we will talk about Madhumalti, how to grow, कैसे इसकी केयर की जाए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो मधुमालती में पहले एक वैरायटी आती थी, ऑरेंज और वाइट, जो वो भी बहुत खूबसूरत थी। यह क्रीपर ऐसी है जो रात को खुशबू देती है, बहुत सुंदर खुशबू देती है। और इसमें एक बड़ी विचित्र बात है कि ये शाम को 7 बजे के आसपास में करीब करीब पूरी पिंक हो जाती है। जैसे अभी आपको सफ़ेद और पिंक दिख रहे हैं, तो सुबह के वक्त ये पूरी सफ़ेद हो जाती है, रात के वक्त पूरी पिंक हो जाती है। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल मधुमालती, दिस इज़ वन वेराइटी। ये ड्वार्फ वेराइटी है, थोड़ी सी नई वेराइटी है, हाइब्रिड है। इसी में एक कलर और आता है अभी, जिसके फ्लावर्स मजेंटा और वाइट हैं, बहुत सुंदर है। वो भी आप लगा सकते हैं, और ये भी लगा सकते हैं, और जो तीसरी जो नॉर्मल वाली है आप वो भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल वेराइटी। ये जो रेगुलर वेराइटी मधुमालती की है, ये वो है। इस समय इसमें फूल नहीं आए हुए हैं, बहुत थोड़े फूल हैं। तो दिस इज़ द रेगुलर वेराइटी। दूसरी मैंने आपको ये दिखाई, और तीसरी अंदर लगी है, इस वक्त उसमें फ्लावर्स नहीं है। इसके ड्वार्फ वैरायटी में पत्ते थोड़े छोटे होते हैं और फूल भी थोड़ा छोटा होता है। फ्लावरिंग वैसी ही होती है जैसी रेगुलर वैरायटी में होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ब्लूमिंग टाइम क्या है। ये पूरी गर्मियों में ब्लूम करती है, 15 अप्रैल के आसपास में, आप मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये ब्लूम करना शुरू करती है, और ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक ब्लूम करती है। बहुत खूबसूरत है, जिसे किसी भी गार्डन में लगा के बहुत सा कलर, गर्मियों में जब हमारे पास में बहुत चॉइस नहीं होती है फूलों की, तब अगर गार्डन में कहीं कॉर्नर में लगाई हो तो बहुत खूबसूरत लगेगी। इसे क्रीपर की तरह लगा सकते हैं, इसे बुश की तरह भी मेंटेन कर सकते हैं। इसे आप कैसे लगा सकते हैं, इसे आप गमले में लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में इसको आप आराम से लगा सकते हैं, या 8 इंच के गमले में आप आराम से लगा सकते हैं। बालकनी, टेरेस या ज़मीन, जहां भी आप लगाना चाहें इसे आराम से लगा सकते हैं। ये पूरी धूप में बहुत आराम से होती है, बशर्ते आप इसकी केयर अच्छे से करें, इसे पानी बराबर रोज़ाना दें, तो ये नित इस तरह मुस्कराएगी। इसको लगाने का सबसे अच्छा समय 15 फरवरी से 31 मार्च है। अगर आप उससे उस समय लगाएंगे तो आपको पहले सीज़न में ही इसके फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए गमलों का सॉइल मिक्स क्या होगा, इसके लिए आप वो जैसे मैंने पहले बताया, 10 इंच का गमला लें और 80% मिट्टी और 20% खाद, चाहे गोबर की सड़ी हुई खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी हो आप ले सकते हैं, और उसमें आधा वो पहले भर दीजिए। गमले में अगर लगा रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं, तो उसे आधा भर दीजिए। उसके बाद जो नर्सरी से आप लाए हैं थैली में, या छोटे 4 इंच के या 6 इंच के पॉट में, उसको बहुत संभाल के निकालें ताकि जो उसकी मिट्टी है वो ना टूटे। और उसके बाद में उसको, जो आपने आधा गमला रखा है उसके एकदम सेंटर में उसको प्लेस करें, और उसके बाद में जो आपने 80-20 रेशियो की जो सॉइल मिक्स बनाई है, बाकी का भर के उसे अच्छे से दबा दें, अपने हाथ से, अपने पाम से अच्छे से दबा दें और उसको पानी दे दें। पहले 3 दिन उसे पूरा छाया में रखें ताकि वो स्टेबलाइज़ हो जाए, और एक बार जब एकदम स्टेबलाइज हो जाए, पत्तियां सीधी हो जाएं, तो उसे आप ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 2 घंटे से 4 घंटा 5 घंटा, ज़्यादा में कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे की धूप उसको मिले। ऐसी जगह अगर आप लगाएंगे तो फूल बहुत आएंगे।
इसमें कोशिश गमले में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए महीने में 2 बार आप इसमें गुड़ाई करें। अगर आपके पास पुरानी बेल लगी हुई है तो इस वक्त आप उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों, अगर गमले में हैं तो आप करीब मैं कहूँगा कि ऊपर के हिस्से में जो आपका गमले का ऊपर का हिस्सा है उसमें 1 इंच के करीब खाद भर दें। अगर आपके गमले में जगह नहीं है तो ऊपर की मिट्टी निकाल के उस जगह बना लें और करीब 1 इंच उसमें खाद डाल के और उसके बाद पानी दे के अगले दिन उसकी गुड़ाई कर दें ताकि वो उसमें खाद नीचे जड़ों तक पहुंच जाए। बस आप ये करिए और उसके बाद में अपने फूलों को इस तरीके से अपनी मधुमालती को, अपनी रंगून क्रीपर को मुस्कुराते देखिए। खासियत इनकी एक ही है, जब भी इनकी तरफ मैं कैमरा करता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ तो ये झूमने लगते हैं। इनको ये आभास हो जाता है कि इनके माँ बाप, जो मैं अपने आप को समझता हूँ, कहीं इनके करीब हैं। ये रिश्ता आपका अपने फूलों से होना चाहिए तो आपके फूल आपके लिए इसी तरह से रंगों की दुनिया बिछा देंगे। आपको जीवन को इंद्रधनुषी बना देंगे। इसकी कटिंग आपको अगर कटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गमले में लगाई हुई है तो इसको आप बॉल की तरह गोल बना सकते हैं कट करके। और कटिंग इसकी आप फेब्रुअरी सेकेंड वीक में कर दीजिए। फेब्रुअरी 15 से लेके फेब्रुअरी एंड के बीच में आप कभी भी इसकी कटिंग कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी गमले में लगी हुई है और करीब 3-4 फुट की है तो उसको ऊपर से 1 फुट, अगर 4 फुट की है तो 1 फुट काट दें, 3 फुट की है तो 1.25 फुट काट दें और उसमें उसी वक्त खाद दे दें जितना मैंने बताया है और पानी दे दें, धूप में रखें और फिर 6 महीना इन रंगों के साथ में रंगों की होली खेलें। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत इजी क्रीपर है, बहुत आराम से ग्रो की जा सकती है और इसमें कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं हैं, सिंपल हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी सिंपलिसिटी से आपको बता सकूँ, जो 50 साल के अपने तजुर्बा, जो गोकुल में जो हमारा गार्डन है गोकुल, जिसको मैं 50 साल से अपने 7,500 बच्चे अब हो गए हैं उनको संभाल रहा हूँ, तो जो मैं गोकुल में कर रहा हूँ और जिस तरीके करने से गोकुल में फूल इस तरीके से ब्लूम आ रहे हैं तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ़ यही डालता हूँ और फूल आपके सामने खिले हैं। मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत लोग ये डालो वो डालो, बहुत चीज़ें सजेस्ट करते हैं, ये डालने से रातों रात चमक जाएंगे, फूल आ जाएंगे। रातों रात चमत्कार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। लेकिन अगर आप निरंतर अपने पौधों से इसी तरह से जुड़े रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, पानी, खाद, खुरपी, ये सब अगर आप बराबर समय से जो उसकी ज़रूरत है उस समय देते रहेंगे तो आपके फूल इसी तरह से झूमेंगे, आपकी बगिया इसी तरह से झूमेगी, आपके फूल इसी तरह से मुस्कुराएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रविंद्र काबरा जॉय ऑफ गार्डनिंग। मुस्कुराएं, जीवन में खुशियां भरें विथ जॉय ऑफ गार्डनिंग विथ रविंद्र काबरा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। इन फूलों से एक ही सबक लें, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा परिस्थितियां हमें अनुकूल जीवन में नहीं मिलती, लेकिन अनुकूलता में तो ज़िंदगी हंस के कोई भी जी सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, एडवर्स होती हैं, उस वक्त हम अगर इन फूलों की तरह मुस्कुरा सकें तो जीवन मधुर हो जाएगा। और ये कठिन नहीं है, दृढ़ संकल्प करना है, मन में हमको निश्चय करना है कि परिस्थिति आई है निकल जाएगी। अभी मई एंड जून, आज से जून, 1 जून 2021 है, टेम्परेचर इस वक्त 43-42 डिग्रीज
42 से 44 डिग्री चल रहा है, उसके बावजूद आप देखिए ये किस तरीके से मुस्कुरा रही हैं, ये किस तरीके से झूम रही है, एकदम फ्रेशनेस है इनमें। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई देख के ये कह दे कि इस समय ये आपकी तो कोई पुरानी वीडियो होगी। ये आज 1 जून की वीडियो है और आज का डे टेम्परेचर 43 और 44 के बीच में रहने वाला है, ऐसा फोरकास्ट है। सो परिस्थितियां अनुकूल होना ही जीवन में खुशियों का द्योतक नहीं है। खुशियां हमारी परिस्थितियां अनुकूल होने से होंगी ये ज़रूरी नहीं है। सब हर चीज़ हमारे पे अपने पे निर्भर करती है। अगर परिस्थितियों के वक्त हम इन फूलों से ये सीख ले लें कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे खिला जा सकता है, कैसे झूमा जा सकता है, कैसे मुस्कुराहट बांटी जा सकती है, तो जीवन बहुत सुंदर होगा। और जीवन सुंदर है, जीवन को अपने हिसाब से जिए, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए, अपने मित्रों के लिए जिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग, और इसी तरीके से इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ईश्वर आपके जीवन में इसी तरह प्रकृति के सुंदर रंग भरें, ऐसी ही ईश्वर से आप सभी के लिए कामना है। दिस इज़ रविंद्र काबरा फ्रॉम आवर होम गार्डन गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द सिटी ऑफ जोधपुर राजस्थान। मैं इसी तरीके से हर वीक कोशिश करूँगा कि एक फूल के बारे में वीडियो पोस्ट करूं, उसको कैसे साफ सवार की जाए, उसको कैसे संभाल के रखा जाए, कैसे केयर की जाए, तो आपको इस तरह के आप भी अपना गोकुल बना सकें। सर्दियों में ये अपने सारे पत्ते गिरा देती है आपको करीब जनवरी फरवरी में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो डेढ़ महीना, एक डेढ़ महीना बगैर पत्तियों के रहेगी ये बेल, ये क्रीपर, लेकिन जैसे ही मार्च आना शुरू होगा इसमें पत्तियां वापस आने लग जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें किसी तरह की कोई बहुत बीमारी वगैरह नहीं लगती है। पानी आपको रेगुलर देना है, रोज़ देना है। खाद जैसा मैंने बताया है कि आपने एक बार फरवरी में दे दी, एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में दीजिए, और उसको वापस आप जुलाई फर्स्ट वीक में रिपीट कर दीजिए। बस ये 3 बार अगर आप इसको खाद देते रहेंगे, खुरपी महीने में 2 बार देते रहेंगे, तो ये इसी तरीके से आपके संग आपकी बगिया में झूमेगी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड डे। मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और इस बागवान की तरह जीवन में प्रकृति के रंग भरें। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। स्टे होम, स्टे सेफ। वंस अगेन बाय बाय फ्रॉम गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स आवर होम गार्डन इन द सिटी ऑफ जोधपुर राजस्थान इंडिया। एंड दिस इज़ योर बागवान रविंद्र काबरा trying to spread happiness for everyone. This is Madhu Malti, the dwarf variety. Thank you. Subscribe to my channel. Please share this video to your friends who are also interested in gardening, so that they can also learn. And this is a creeper which can be easily grown anywhere in balcony, terrace, or in ground, wherever you want to. You can grow it. This is in a pot. This Madhumalti is in a 12-inch pot. And look how beautiful this is grown. जब आप care करते हैं, जब आप साल संभाल करते हैं, जब समय से इनको भी अपना जो खाना है, nutrients से आप देते हैं, पानी देते हैं, तो ये इसी तरीके से आपके जीवन में रंगों की बहार ले आते हैं। प्रकृति ऐसी है। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड डे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।